बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश पाश होंगे। अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद रखे। जो दुख दर्द तकलीफ़ें हैं उनसे अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमत करम फ़जल से निजात दे। इस दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। कल जो सरिया हम लेके आए थे, सरिये की कटाई शुरू हो चुकी है नुमाइशें लेने के बाद, और जो जाल बांधने वाले हैं सरिये का, वो ज़ोर शोर से काम कर रहे हैं। अभी आपको दिखाता हूँ कि काम किस स्टेज तक पहुँचा है। ये पिमाइश करके कटिंग की है और यहाँ बिल्डिंग के साथ खड़ा कर रहे हैं। बाकी ये जो जाल में रिंग इस्तेमाल होने हैं ये भी तैयार कर रहे हैं साथ साथ। ये तार जाल बांधने के लिए काम आएगी। सरिया काटने वालों ने आज इन लेंथों की पेमाइश करके कटाई की है। काफ़ी काम अभी रहता है। अच्छा जी, ये देखें, आज सीढ़ी की शटरिंग कर रहे हैं। ये ऊपर नीचे से स्टेप नज़र आएंगे, बिल्कुल नीचे से प्लेन नहीं होगी, दोनों साइडों से जो स्टेप्स हैं वो नज़र आएंगे। सीढ़ी का काम, शटरिंग का आज शाम तक तकरीबन हो जाएगा। ये काफ़ी मशक्क़त तलब और टाइम कंज्यूमिंग काम है। इतनी शदीद गर्मी थी ना, अभी तकरीबन 4 बजे का टाइम है और मज़दूर भाई देख लें, जो सरिया काटने वाले बांधने वाले हैं, सारा दिन आज ये काम में लगे रहे हैं। अच्छा जी, एक व्लॉग में मैंने राशन की लिस्ट बनाई थी और राशन अल्लाह का शुक्र है कि दुकान वाले छोड़ गए हैं। ये प्याज हैं और ये बाकी राशन है। जो लिस्ट मैंने बनाई थी उसमें 3-4 चीज़ें ऐड करने वाली रहती थी, जो बेगम साहिबा ने मुझे बाद में याद करवाई। ये चीनी का गट्टू है, चीनी पहले भी रखी हुई है लेकिन अभी मिस्त्री लगे हुए हैं तो उनको चाय देनी पड़ती है, तो इसलिए चीनी एक्स्ट्रा मंगवा ली है। अब बेगम साहिबा पका रही हैं शाम के खाने के लिए रोटियां। रोटियां पकाने के बाद यही आग अब्बा जी के हुक्के में भर लेंगे। हुक्के में ताज़ा पानी भर लिया है। यहाँ पे बेगम साहिबा ने रोटियां पकाई हैं तो यही आग हुक्के में भर लेते हैं। नहीं, मैं गुड़ गुड़ को नहीं सीखी थी। मजदूर भाई जा चुके हैं, लोहे वाले भी और दूसरे मिस्त्री भी। जो आज के काम की प्रोग्रेस है वो आपको दिखाता हूँ। आज माशाल्लाह काफ़ी काम निपटाया है। सीढ़ी की शटरिंग की है और ऊपर से चिकनी मिट्टी से इसको लेपा दिया है, तो बेबी साहब पहले इसको चेक करने लग गई हैं। ऊपर गिली जगह में ऊपर नहीं जाना, पैर में चिपक गया। माशाल्लाह, एक हिस्सा सरिया उन्होंने पेमाइशी करके काटा है और दो हिस्से सरिया जो है वो अभी रहता है। काफ़ी काम करने वाला अभी रहता है। मोटे सरिये को तो उन्होंने अभी हाथ ही नहीं लगाया। तो ये था आज का सिंपल सा व्लॉग, इसको यहाँ पे ही एंड करते हैं। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। रब सोने दे हवाले, रब राखा, अल्लाह हाफिज़।